Masha's Tales. Oh gosh, कि मैं बैर से मिलने उसके घर जा सकती। मैं किसी दिन तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी, पर अभी के लिए मैं तुम्हें मेहमानों के बारे में एक डरावनी कहानी सुनाती हूँ। एक वक्त की बात है, एक लड़की हुआ करती थी और उसका नाम था Red Riding Hood. Red Riding Hood. वो कभी कभी राइडिंग हुड पहना करती थी, पर अब वो बस एक रेड हैट पहनती थी सर्दियों में और गर्मियों में भी। एक दिन उसकी मम्मी ने उसे मजेदार नाश्ते के साथ उसकी बीमार दादी से मिलने भेजा। तो उस लड़की ने नाश्ते से भरी टोकरी उठाई और अपने रास्ते निकल पड़ी। वो जंगल के रास्ते से जा रही थी और टोकरी वाले नाश्ते की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लड़की ने खुद से कहा, मैं कहीं बैठकर बस थोड़ा सा नाश्ता खा लेती हूँ। तभी कोई तो लुढ़कता हुआ उसके पास से गुजरा और बूम, सामने वाले पेड़ से टकरा गया। सोचो तो वो कौन था? वो था जिंजर ब्रेड हेड। वो वही बैठे अपना सिर हिला रहा था। वैसे वो पूरा ही हिल रहा था, क्योंकि उसके पास सिर्फ सिर था, ना पैर थे ना हाथ। रेड राइडिंग हुड ने उसे उठाया और जिंजर ब्रेड ने उसे एक इंसान की तरह ही कहा, प्लीज मुझे मत खाना नन्ही बच्ची, और मैं तुम्हारे लिए एक गाना गाऊंगा। भला कोई तुम्हें क्यों खाना चाहेगा? तुम जंगल के गंदे रास्तों पर लुढ़क रहे थे। मैं तुम्हें अपनी दादी के पास ले चलती हूँ, शायद तुम उनके कुछ काम आ सको। रेड राइडिंग हुड ने जिंजर ब्रेड हेड पर से धूल हटाई और उसे टोकरी में रख दिया। बिग बैड वुल्फ जो पास की झाड़ियों में छिपा था, उसने सब सुन लिया। उसने सभी को खा जाने का फैसला किया, लड़की, दादी और गंदे से जिंजी को भी। दादी अपने घर पर आराम कर रही थी। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ जब किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? दादी ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड आपसे मिलने आई हूँ, बिग बैड वुल्फ ने गुर्राते हुए कहा। ओह, लगता है मेरी बेचारी पोती भी बीमार है। उसकी आवाज़ तो बड़ी ही मीठी थी, पर अब लगता है जैसे उसका गला बैठ गया है। दादी को ऐसा ख्याल आया और फिर उन्होंने कहा, दरवाजे के पास लगी रस्सी को खींचो मेरी बच्ची और दरवाजा खुल जाएगा। वुल्फ ने ठीक ऐसा ही किया, दरवाजा खुल गया और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था।
बिग बैड वुल्फ दादी को झट से निगल गया और उसने उनका चश्मा और टोपी बाहर निकाल दी। बिग बैड वुल्फ मन ही मन खुश हुआ और फिर रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। उसने बीमार दादी होने का नाटक किया, उनकी जगह पर लेट गया, खुद पर उनका कंबल डाल दिया, उनकी टोपी और चश्मा पहन लिया और फिर उसे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। कौन है? बिग बैड वुल्फ ने पूछा। मैं आपकी पोती रेड राइडिंग हुड हूँ, आपसे मिलने आई हूँ। दरवाजे के पास लगी रस्सी खींचो और दरवाजा खुल जाएगा, बिग बैड वुल्फ दादी ने कहा। बच्ची अंदर आ गई और उसने जिंजर ब्रेड हेड वाली टोकरी को फर्श पर रख दिया। जब उसने अपनी दादी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बेचारी बहुत ही बीमार लग रही थी। उनका चेहरा काला पड़ गया था और बालों से भर गया था। रेड राइडिंग हुड पास पड़ी छोटी कुर्सी पर बैठ गई और कहा, प्यारी दादी आपको क्या हुआ है? आपके हाथ कितने बड़े हैं? तुम्हें अच्छी तरह गले लगाने के लिए मेरी प्यारी बच्ची। फिर बिग बैड वुल्फ दांत दिखाकर मुस्कुराया। प्यारी दादी आपके दांत कितने बड़े हैं? तुम्हें अच्छी तरह खाने के लिए, बिग बैड वुल्फ गुर्राया और रेड राइडिंग हुड को निगल गया। ये देखकर जिंजर ब्रेड हेड डर गया और उसकी चीख निकल पड़ी। उसने टोकरी के बाहर छलांग लगाई और बिग बैड वुल्फ ने उसे एक बॉल की तरह पकड़ लिया और उसे भी निगल गया। बिग बैड वुल्फ बेड पर दर्द के मारे रो रहा था। उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, तभी तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसका पेट एक गुब्बारे की तरह फूल गया था, वो एक बड़े गोले जैसा बन गया था और बूम, वो फट गया। सब बाहर आ गए, दादी, बच्ची और चिंजी भी। दादी और पोती खुशी के मारे नाचने लगे और जिंजर ब्रेड हेड जल्दी से खिड़की के पास गया और उससे बाहर कूदकर वहां से भाग गया। वो जंगल के रास्ते से लुढ़कते हुए जा रहा था और उसे मिली स्लाई फॉक्स। जिंजर ब्रेड हेड ने उसे अपना गाना सुनाया, पर फॉक्स ने उससे कहा, मैं बहुत ही बूढ़ी हूँ, मुझे कम सुनाई देता है। अगर तुम आकर मेरी नाक पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें अच्छे से सुन पाऊंगी। जिंजर ब्रेड हेड स्लाई फॉक्स की नाक पर बैठ कर गाने लगा। फॉक्स ने अपना मुँह खोला और बूम, वो उसे खा गयी। वो उस जिंजर ब्रेड हेड के लिए एक सबक था। वो एक बार पहले खाया जा चुका था, है ना? तो फिर उसे किसी अनजान फॉक्स की नाक पर बैठने की क्या जरूरत थी? रेड राइडिंग हुड ने भी एक सबक सीखा था, हमें जंगल में मिलने वाले अजनबियों को नहीं बताना चाहिए हम कहाँ जा रहे हैं, पर जरूरी सबक ये है कि हमें अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते रहना चाहिए। अगर आप एक वुल्फ देखें तो समझ जाना कि वो आपकी दादी नहीं है। Thank you.
खाने को कुछ है? ऐसे क्यों देख रहे हो? ओह हाँ, मुझे तुम्हारी आंखों में सब दिख रहा है। मुझे जज कर रहे हो जैसे किताब को उसके कवर से करते हैं, पर एक अगली टकलिंग के अंदर भी एक खूबसूरत दिल हो सकता है। और अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। सिंडरेला। एक वक्त की बात है, यहाँ से दूर दूर के एक देश में एक लड़की रहा करती थी। उसे महल में होने वाली पार्टी में जाने का बहुत मन था, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे अपने लिए कभी वक्त मिलता ही नहीं था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बुरी सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती थी। बिना खेले सिर्फ काम करते रहना अच्छा नहीं होता, और उसे तो काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं होता था। सिंड्रेला सबके कपड़े धोती, सभी के गंदे बर्तन साफ करती, और हर दिन वो फायरप्लेस साफ करती वहाँ जमी राख को बाहर निकाल कर। और वैसे भी सिंड्रेला का मतलब ही ये होता है, नन्ही राख। दूसरी तरफ देश के राजा ने अपने महल में एक और पार्टी रखने का फैसला किया। वो भी कोई मामूली पार्टी नहीं, उन्होंने सबको इनवाइट किया। उन्होंने कहा उस पार्टी में होगी कुकीज, कैंडीज और आइसक्रीम की एक शानदार दावत, और रात भर उसमें नाच गाना चलेगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो गई, पर फिर वो बहुत दुखी हो गई, इसलिए क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस थी, और वो भी बहुत ही गंदी। तो उसके पास शाही महल की पार्टी में पहनने के लिए कोई ड्रेस नहीं थी। और फिर अचानक एक अच्छी परी उसके सामने आई और बोली, मैं हूँ तुम्हारी गॉड मदर और मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हारे इस घर की फटी पुरानी ड्रेस को एक सुंदर पार्टी गाउन में बदल रही हूँ, ऐसा जिस पर से किसी की नजर ना हटे। पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जैसे ही महल की बड़ी घड़ी में 12 बजेंगे तुम्हें फौरन वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारा सुंदर पार्टी गाउन फिर से एक घर वाली ड्रेस में बदल जाएगा। सिंड्रेला फ्राइंग पैन में अपनी परछाई देखकर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी आ गई उसकी बुरी सौतेली माँ। तुम ऐसे तैयार होकर कहाँ जाने की सोच रही हो? घर में इतने सारे अखरोट पड़े हैं, उन्हें कौन तोड़ेगा? चलो काम करना शुरू करो। सिंड्रेला ये सुनकर बहुत ही दुखी हो गई।
इतने सारे अखरोट तोड़ने थे उसे। ऐसा करते हुए तो सारे दांत टूटकर खराब हो सकते हैं। अगर दांत ही ना हो तो वो पार्टी में स्माइल कैसे करती। तभी अच्छी परी वापस आई और उसने सिंड्रेला को लकड़ी के पिनोक्कियो जैसे दिखने वाला एक साथी दिया। उसकी नाक इतनी लंबी थी और उसका मुंह इतना चौड़ा था और दांत एक हिप्पोपोटामस जितने बड़े। ये अजीब दिखने वाला बंदा कौन है, सिंड्रेला ने पूछा। ये कोई अजीब बंदा नहीं है, ये तो है नटक्रैकर, अच्छी परी ने जवाब दिया। देखो वो कितनी अच्छी तरह अखरोट तोड़ सकता है, टक टक, और लो काम हो गया। फिर सिंड्रेला ने जल्दी जल्दी सारे अखरोट तोड़ दिए और उसे नटक्रैकर इतना अच्छा लगा कि उसने उसे अपने साथ पार्टी में ले जाने का फैसला किया। सिंड्रेला महल की ओर जा रही थी कि अचानक उसने राजा जी को देखा। ओ राजा जी, सिंड्रेला ने कहा, आखिर आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा जी ने उसे देखा और फिर कहा, बात ही कुछ दुखी होने वाली है। मैंने महल में एक पार्टी रखी थी पर तभी वहाँ चूहे आ गए और उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तभी नटक्रैकर खड़ा हुआ और उसने इंसानी आवाज में कहा, आप रोइए नहीं राजा जी, मैं इसमें आपकी मदद करूँगा। वो अपने नाक की बांसुरी बनाकर उससे एक अच्छी सी धुन बजाने लगा और वो धुन इतनी अच्छी थी कि राजा जी उस पर मजे से नाचने लगे। जैसे ही चूहों ने बांसुरी की धुन सुनी, वो सब उस धुन के जैसे गुलाम से बन गए और मौका देखकर राजा जी ने झाड़ू उठाया और उन्हें महल के बाहर निकाल दिया। सब बहुत खुश हो गए और सिंड्रेला ने नटक्रैकर को खुशी के मारे एक अच्छी सी झप्पी दे दी। अचानक हर तरफ अजीब सी चमक फैल गई और वो नटक्रैकर एक प्यारे राजकुमार में बदलने लगा। और जब वो पूरी तरह बदल गया तब उसने कहा, अब तक मुझ पर जादू का असर था और अब मेरी प्यारी सिंड्रेला, मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें देना चाहता हूँ अपना हाथ, अपना दिल और साथ ही ये कांच के जूते भी। उसी वक्त महल की बड़ी घड़ी में 12 बजने की आवाज आई। सिंड्रेला को लगा कि अगर राजकुमार ने उसे उसकी पुरानी ड्रेस में देख लिया तो वो उसे चाहना बंद कर देगा, पर राजकुमार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि सिंड्रेला के लिए उसकी चाहत सच्ची थी। और मैं यही बात तुमसे कहती रहती हूँ, बाहर से कोई भले कितना ही खराब क्यों ना दिखता हो, हमें उनके अंदर की अच्छाई को देखकर उससे लगाव हो जाता है। मैं कह रही हूँ ये एक छोटे बच्चे को पालने का सही तरीका नहीं है। और मैं कह रही हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं अपना बच्चा जैसे चाहूँगी वैसे पालूंगी। ये एक बच्चे को खाना खिलाने का सही तरीका नहीं है। और मुझे पता है मेरे बच्चे को यही खाना सबसे अच्छा लगता है। ओह, मेरा छोटा बच्चा कहाँ भाग गया? मैं यही कह रही थी, छोटे बच्चे ऐसी माँ से दूर नहीं भागते जो उनका ख्याल रखती है। मानना है कि बच्चे को सिर्फ खाना खिलाना काफी नहीं होता, बच्चे को पढ़ना, पेंट करना और गाना सिखाना भी बहुत जरूरी होता है। और मेरा मानना है कि बच्चे को खाना खिलाना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। आहा! देखा ना, मेरा बच्चा बिना सिखाए ही पढ़ने लग गया। अब बस करो, अब बहुत हुई पढ़ाई, अब हम बच्चे को खाना खिलाएंगे, फिर हम इसे सुलाएंगे और हम फिर से इसे खाना खिलाएंगे। ओह, ये क्या, तुम्हारी मम्मी ने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए ये खाना बनाया और तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे वाह, हाँ, हम बनेंगे सिपाही।
बनेंगे अभी इसी वक्त। जूते ग्लव्स टोपी पंख पहने हुए लग रहे हैं मस्केटियर्स। लो हम चले, दुश्मन होंगे पल में गुल हमारे, आज देख लेंगे जब वो मेरी रंग भरी मुस्ताज। मैं कर दूं सबको इम्प्रेस, फिर चाहे जो भी हो और पाऊं बड़ी सक्सेस, खेल ये जीतू जो। समझी मैडम? कौन कौन हो फिर से कहना तो? मैं हूँ एक हीरो, और तुम बताओ तुम कौन हो? और तुम कौन हो? ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, पर मैं कहती हूँ तुम वो नहीं हो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हूँ, मुझ जैसा यहाँ कोई नहीं। तुम जैसा निकम्मा कोई नहीं। ऐसा कहने वाली तुम कौन होती हो? चुप रहो, तुम चुप रहो। तुम हो कौन? कोई नहीं। और तुम कौन हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम कहाँ जा रहे हो? जरा हमें देखो, हम क्या कर रहे हैं? बेर इंतजार कर रहा है और हम यहाँ लड़ाई कर रहे हैं। तुम सही हो, हम सब एक जैसे सिपाही हैं। सारे प्रेजेंस कहाँ हैं? और हमारा चौथा साथी कहाँ चला गया? वो जरूर अकेले दुश्मन का सामना कर रहा होगा। चलो चलकर अपने साथी की मदद करें। हे जरा सुनो, क्या तुमने यहाँ से एक सिपाही को जाते हुए देखा? तुमने उसे देखा? उसके बाद यहाँ क्या हुआ? वो है एक असली महान योद्धा। देखा ना, मेरा बच्चा एक असली हीरो बन गया। और तुमने कहा था मैं सब कुछ गलत कर रही हूँ। हे मिस्टर, अपने पंजे दूर रखो एक सिपाही से। मस्केटियर्स कहते उनका सीक्रेट ये, हिम्मत है जरूरी ज्यादा ड्रेसिंग से। कर लो अपने हाथों को फिर तैयार, जब उठाओ तुम वो अपनी हिम्मत तलवार। जो हो साथ हम बढ़ते जाएं, जो हो अलग गिर जाएं। आओ एक दूसरे के लिए अपने हाथ बढ़ाएं। आओ मेरे सिपाही दोस्त, अंदर आ जाओ।
सभी को कुछ और मजेदार चीजें देखनी है तो बस अभी यहाँ क्लिक करें और फौरन हमारी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल को क्लिक करना मत भूलना ताकि हमारे सारे अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अच्छा दोस्तों,